कम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको वर्ब का टॉपिक बताने वाला हूँ। वैसे स्पेशली वर्ब तो मैंने बता दिया है, लेकिन नॉन फाइनेट जो वर्ब्स होती हैं, फाइनेट वर्ब होती हैं, नॉन फाइनेट वर्ब होती हैं, या फिर हम कहें जीरेंड या फिर इनफिनिट वर्ब जो होती हैं पार्टिसिपल, तो उन सब में क्या होता है कि आप कन्फ्यूज़ होते हैं, आप उसे नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी वर्ब है। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे उनको नहीं पहचान पाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस वीडियो के अंदर मैंने आज आपको ट्रिक से समझाऊँगा। जैसा कि आपको बताया कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तो ये एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक का मतलब सिर्फ हमको उन जो भी हमें वर्ड दिए गए हैं उन तक पहुंचना है और उनको याद करना है। इसको आप अलग या फिर गलत तरीके से मत लेना किस तरह का सर ने ट्रिक बनाया है। तो ट्रिक मतलब सिर्फ हमको याद करने का तरीका है। अच्छा दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट हल्का सा बता देता हूँ। वर्ब क्या होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी कभी किसी लास्ट में अगर ना आ जाए तो उसको बोलते हैं वर्ब। ये समझ लो ट्रिक होती है। क्या होती है, ट्रिक होती है। यदि लास्ट में ना आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हम वर्ब बोलेंगे। अब वर्ब जैसे मानो ईट है। अब ईट का मतलब क्या होता है बताओ भाई, ईट का मतलब तो खाना होता है ना, तो खाना इसमें ना आ गया मतलब ये वर्ब हो गई। क्या हो गई, वर्ब हो गई। अगर वर्ब है तो उसमें एडी भी लगा सकते हैं, यानी सेकंड थर्ड फॉर्म भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं और आईएनजी भी लगा सकते हैं। यदि वर्ब है तो आपने वर्ब को यदि छांट लिया तो ये तीनों चारों कंडीशन उसमें लगा के देखो क्या वो इसमें वेरीफाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो मतलब वो वर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये मत सोच लेना कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नाना, क्या लिखा, नाना। अब आप कहेंगे सर इसमें तो लास्ट में ना आ रहा है, आपने जैसा कहा वैसा हम बोल रहे हैं। तो देखो आप ना यहाँ पर गलत हो जाओगे, नाना एक नाउन है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं। दूसरी बात, नाना में क्या तुम आईएनजी लगा दोगे, क्या ईडी लगा दोगे, क्या सेकंड फॉर्म बना दोगे नाना की, नहीं बन सकता। इसका मतलब ये वर्ब नहीं है यार, कुछ और ही होगा। ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं टॉक। टॉक का मतलब बात करना। अब देखो मैंने क्या, अगर ये वर्ब है तो आईएनजी फॉलो कर सकती है, सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकती है। तो देखो टॉक का टॉकिंग हो गया, सेकंड थर्ड फॉर्म बन चुका है, तो इसका मतलब ये वर्ब है। ऐसे करके आप पहचानना आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यदि मैं आपको 1000 के 1,00,000 वर्ब भी आपके सामने अगर वर्ब नाउन एडजेक्टिव डाल देता हूँ तो आप आराम से उसे पहचान लोगे कि यार इसमें ना ये वर्ब है। समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि मुझे सोना है। क्या है, मुझे सोना है। अब इसमें मैंने क्या कहा कि यार सबसे पहले ना आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्लीप, या फिर मैं कह सकता हूँ आई एम टू स्लीप, इसका मतलब मुझे सोना है, फिर मैं सोने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक और होता है सोना, जो गोल्ड होता है। आपने कहा मेरे पास सोना है, तो इसका मतलब है ये ना, ये एक ना वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज़ रखेगा, कोई व्यक्ति कुछ चीज़ रखेगा, इसका मतलब वो नाउन को रख सकता है, वर्ब को नहीं रख सकता। मैंने बोला आई हैव और यहाँ पर हो गया गोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से पहचान जाएगा, चिंता मत करना किसी तरह से। अब देखो यहाँ पर आप कहेंगे सर अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा ये स्लीप और गोल्ड, इनमें से वर्ब कौन सी है। एक बात बताओ, आप आईएनजी किस में लगा सकते हो, स्लीप में स्लीपिंग हो सकता है, स्लैप्ड हो सकता है, क्या गोल्ड में गोल्डिंग कर सकते हो, क्या गोल्डेड कर सकते हो। इसका मतलब सर एक बात है, ये वर्ब नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो लेकिन वर्ब नहीं है। पहचान आ गया नहीं आ गया। चलो आगे आगे बढ़ जाता हूँ। आगे देखो बड़े मज़ेदार चीज़ मैंने बनाई है। और दोस्तों ये अगर आपको ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही है और ये सब आपको अगर मेहनत अच्छी लगती है तो इसे आप 1 लाइक दे सकते हैं। मैं इस टॉपिक को फुल ट्रिक बेस्ड करके बताया, यानी कि आपको समझ में आ जाए। समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। देखो अब मैंने क्या किया, इस वर्ब को अलग अलग टाइप में अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे एक तो होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये काफ़ी ज़्यादा, एक आगरा के स्टूडेंट है, नाम मुझे याद नहीं है, चौहान करके नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे इस टॉपिक के बारे में बोला था कि सर आप इस टॉपिक को बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसमें क्या करना, क्या यार, देख कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे। अगर ग्रामर के रूलों के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखो फाइनाइट वर्ब और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसकी ट्रिक देख क्या है, ये बताओ। पहली बात तो ये होती है कि मतलब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में सर हमें ये पढ़ाते हैं कि यानी ऐसी वर्ब जो चेंज हो जाए, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ही ना हो, उसके ऊपर टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अब सर इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे बाई चांस भूल गए तो, देखो ये लिख रहा है ना फाइनाइट, मैं इसे जूम कर देता हूँ, ये लिख रहा है फाइनाइट। अब देखो यार ये मैंने एफ आई ले लिया, क्या ले लिया, एफ आई, और ये क्या लिख रहा है बताओ, फी लिख रहा है ना, और फी का मतलब क्या होता है, फीस होता है। यानी अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो यदि आपकी आज यदि 5000 फीस है
तो आप देखेंगे एक साल का बाद ये 6,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6,000 होगी, 10,000 हो जाएगी। यानी कि फीस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बस समझ में आ गया ना, फीस चेंज हो रही है। यानी कि 5,000 था, अब 6 हो गया, अब 7 और 1 8 हो गया। मतलब चेंज हो रही है फीस, और फीस वास्तव में चेंज होती है। अगर वही वाली बात में अगर वर्ब चेंज हो रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और देखो यहां पर क्या लिख रहा है, ये देखो मैंने क्या नो, और ये लिख रहा है फी, मतलब नो फी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फी चेंज नहीं हो तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। यानी कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है, चेंज ही नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट। मुझे लगता है अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा यार कि सर फाइनाइट, अगर आपसे कोई पूछ ले फाइनाइट क्या होता है, तो आप इजिली आप लगा सकते हैं कि सर फाइनाइट मतलब क्या होता है कि फी मतलब चेंज होती रहती है, वैरी करती रहती है। तो उसको देखो वेरी की स्पेलिंग क्या होती है, वेरी ये पूछा गया, VARY, और एक होता है वेरी VERY, ये इसका मतलब तो बहुत होता है, टू है ना, और ये होता है चेंज करना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक्चुअल में एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर, नेवी ग्रुप सी के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो दे देगा और उसकी डेफिनेशन पूछेगा आपसे, वो इस तरह से आपको जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पहचानना बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो मैं 100 बातों की एक बात बताता हूँ, जिसे हम तुक्का बोलते हैं। तुक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, TION, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना, उसको मैं बोल देता हूँ। तो देखो अब क्या बोलना है, एक बात बताइए, ये मतलब एफ हो गया फाइनाइट, क्या हो गया फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट हो गया NF। यार एक बात बताओ, अब इसमें यदि आपको थोड़ा कॉमन सेंस बुद्धि लगानी है ना, तो अगर आपसे एक सेंटेंस में दे रखा है, दो वर्ब दे रखे हैं, अगर आपको पहचानना है कि फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब आगे होगी या पीछे होगी, तो देखो ऐसे समझो, एफ बताओ, एफ और ये जो आई लिख रहा है, बताओ एफ और एन में सबसे पहले कौन आता है? एफ आता है ना, उसके बाद एन आता है। तो बस इसका मतलब है कि एक सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब पहले आएगी, उसके बाद आएगी नॉन फाइनाइट। देखो ये मैंने दोनों टेंस लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पर लिखा है कि आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ, उसने लिखा शी वॉन्ट्स टू राइट, वो लिखना चाहती है। यार एक बात बताओ, इसके अंदर वर्ब कौन सी है, मतलब चाहना, एक तो इसके पीछे ना आ रहा, और एक लिखना है, इसका मतलब एक इसके पीछे, मतलब ये क्या हुआ, ये दो वर्ब है, क्या है बेटा, दो वर्ब है ना। अब एक बात समझ में नहीं आई कि सर इसमें फाइनाइट कौन सी और नॉन फाइनाइट कौन सी है। यार अगर आपने देखो वर्ब छांट लिया ना, तो सिंपल है कि यार जो पहले आएगी वो एफ आएगी, उसके बाद जो आएगी वो नॉन आएगी। बताओ ये बोला था कि नहीं बोला था? इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनाइट वर्ब और ये नॉन फाइनाइट। ये तरीका उनके लिए है जो बुद्धि के थोड़े से है ना स्ट्रांग होते हैं, उनके समझ में नहीं आता इतना जल्दी, ठीक है। अब देखो बच्चों उसी लिए मैंने यहाँ पर समझाया ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। यार एक बात हो, ये दोनों सेंटेंस ना सिर्फ सब्जेक्ट बदला है, बाकी देखो ये दोनों के दोनों सेम है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब आई आ रहा है, यानी सब्जेक्ट यदि आई है, तो देखो यहाँ पर वॉन्ट हो रहा है, और यहाँ पर शी है, तो देखो वॉन्ट का वॉन्ट्स हो गया, लेकिन इन दोनों के अंदर टू राइट और टू राइट है। बताओ इनके अंदर कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा? ये नो चेंज है, तो नो चेंज मतलब नॉन फाइनाइट। इसका मतलब है टू राइट जो है वो क्या है? नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट। बात समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये जो देखो वॉन्ट है, ये क्या बताओ? ये फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब। अब देखो नॉन फाइनाइट के अंदर एक चीज और होती है, वो मैं यहां बताता हूँ। अगर कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह अगर कुछ भी लिख रहा है, तो उसे हम इनफिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफिनिटिव बोलते हैं। अगर मान लो दो दो वर्ब आ रही, एक ये रही सेंटेंस में और एक पीछे दे रखी है, अगर एक को छोड़ करके और दूसरी वाली वर्ब यदि ING में आ जाए, तो उसे बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं उसे? जीरंड, ठीक है ना। लेकिन अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, जैसे ये लिख रहा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए यदि दूसरी वाली वर्ब, तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इसे? इन्फिनिटिव। बात समझ आ रहा है? पार्टिसिपल का एक अलग रूल होता है, सिंपल बता देता हूँ। अगर पहली वर्ब के बाद अगर दूसरी वाली वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया? चलो अब मैं आगे समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि टू राइट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इनफिनिटिव है। क्या ये? नॉन फिनिट है। चलो आगे बढ़ते हैं। दे वॉन्टेड टू गो, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वे जाना चाहते थे। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट दे है, तो यहाँ पर देखो ये वॉन्टेड हो गया, और ये तो सेम ही है। यानी अगर यहाँ टेंस भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पर टू गो का टू गो ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब टू गो जो है वो नॉन फिनिट। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अभी बताया था, क्या बोल सकते हैं?
फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टू राइट है, टू राइट, टू गो है, वो क्या है? टू आस्क है, टू आस्क, ये सब क्या है? ये इन्फिनिटिव है। क्या ये इन्फिनिटिव? और इन्फिनिटिव किसके अंदर आता है? क्योंकि दूसरे नंबर पर आ, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो दे आर स्टूडेंट्स और ही इज ए गुड स्टूडेंट। यहां पर देखो दे आया तो आर हो गया, ही आया तो इज हो गया, जबकि स्टूडेंट का स्टूडेंट ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये वेरी कर रही है। क्या कर रही है? वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो ये हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। इसके बाद इधर देख लीजिएगा, दे वॉन्ट टू आस्क और दे वॉन्टेड टू आस्क। यहां पर एक बात समझ में आया, ये चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, बात समझ रहा है? ये इन्फिनिटिव है, नॉन फिनिट है, और ये चेंज हो रहा है, वॉन्ट से वॉन्टेड हो गया, जैसे ही टेंस बदला और चेंज हो गया, तो ये फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद देखिए, मुझे उम्मीद है यार समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर टॉट है और यहाँ पर है टीचिंग, आगे कोई वर्ब दे नहीं रखी, तो इस वर्ब को हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट वर्ब बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फाइनाइट वर्ब, आगे दे नहीं रखी ना, और वैसे भी फाइनाइट वर्ब पहले ही आती है। अब मुझे उम्मीद है पूरा कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बोला आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यार एक बात बताओ, आई ट्राई, इसमें वर्ब कितनी? ट्राई मतलब कोशिश करना, एक तो ये वर्ब है, और टू अंडरस्टैंड समझना, दोनों में ना आ रहा है, मतलब एक वर्ब है। इसका मतलब ये पहले आ रही है, तो ये हो जाएगी फाइनाइट वर्ब, और टू अंडरस्टैंड है ये नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के अंदर कौन सी है? इन्फिनिटिव। आई एन जी आ जाए तो जीरो, थर्ड फॉर्म आ जाए तो पार्टिसिपल। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अब क्या करना है आपको कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया और इसके अंदर आपको फाइंड करना है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी। आई कीप रीडिंग द रामायण, सी कीप्स रीडिंग द रामायण। बताइए यार एक बात सर समझ में आ गया कि यहां से ये वर्ब तो दोनों में चेंज नहीं हुई है। नहीं हुई मतलब नहीं हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब आई एन जी वाला है तो आई एन जी वाले को जीरंड बोल देते हैं, आता तो नॉन फाइनाइट के अंदर ही है ना। अब यार ये चेंज हो रही है, मतलब ये टेंस के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? वेरी हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। तो अब इसका मतलब ये चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है? इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर फायदा क्या है भैया पढ़ाने का? समझ लेना अच्छी तरीके से। अब देखो एक बच्चे का मुझे क्वेश्चन आया था, ये थे आपके अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने बोला सर ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में फर्क समझ में नहीं आता, इसको जरा समझाओ। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है कि यानी ऐसी कोई वर्ब जो अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए मीनिंगफुल करने के लिए, तो उसे बोलते हैं ट्रांसिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आए तो इंट्रांसिटिव। बस नहीं का मतलब देखो ये लिख रहा नहीं, एन नहीं मतलब, और इन इन भी नेगेटिव सेंस शो करता है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। चलो मैंने बोला कि द गर्ल किल्ड ए स्नेक, लड़की ने क्या किया? एक सांप को मार दिया। अब एक बात हो, वर्ब किल मतलब मारना, इसमें ना रहा, इसका मतलब ये वर्ब है। इस वर्ब के बाद बताओ ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको मारा? ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तो हमेशा वॉट लगा देंगे और आपका ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? वॉट यानी कि लड़की ने एक सांप को मारा, लड़की ने क्या मारा? एक सांप को, तो बेटा हुम ही लगाएंगे ना तब भी आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ए स्नेक आ रहा है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट दे जाए तो ये हो जाएगी ट्रांसिटिव, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांसिटिव। देखो ओपन के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव। ए डॉल दे रखा ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा ट्रांसिटिव। बात समझ में आ रहा है ना यार? आगे देखिए द गर्ल स्माइल्ड। अब यार एक बात हो, इस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव होती तो वो ऑब्जेक्ट आता। अच्छा देखो हाँ मुझे याद है कि एक गुजरात से मुझे कॉल आया था, उस बच्चे ने मुझे पूछा कि सर मेड का जो चक्कर है ना वो समझा दो पूरी अच्छी तरीके से, मेड उसको समझ में नहीं आ रहा। देखो मेड के यार मीनिंग तो काफ़ी होते हैं, अगर मैं पूरा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, चलो समझा ही देता हूँ। देखो मेड एक तो मतलब है कि अदिति मेड अ डॉल, यानी कि अदिति ने क्या बनाया? एक गुड़िया बनाई। तो मेड का मतलब मेक का सेकंड फॉर्म है ना ये, तो मतलब ये बनाना भी होता है, लेकिन एक एक और मेड होता है उसका मतलब अलग होता है। अगर वो नाउन हो जाए वो तो वर्ब है, अगर मेड का हम यूज नाउन की तरह करेंगे तो पता है इसका कितना अच्छा मीनिंग होता है, बहुत प्यारा मीनिंग होता है। मैंने ये बोल दिया रोहित, मैंने बोला रोहित इज ए मेड, एम ए डी ई, ठीक है ना, मेड मैन। क्या बोला? रोहित इज अ मेड मैन, ये इसका मतलब है कि ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ कि मेड अगर इस तरह से कोई नाउन की तरह आ जाए तो इसका मतलब है कि जिसको अपने भाग्य पर पूरा भरोसा हो उसे बोलते हैं मेड। तो रोहित इज अ मेड मैन, इसका मतलब है रोहित एक ऐसा पर्सन है, ऐसा आदमी है जो अपने भाग्य पर भरोसा रखता है। मैंने बोला यू आर अ मेड मैन, यू आर अ मेड पर्सन, यू आर अ मेड गर्ल, यू आर अ
मेड, ठीक है, इस तरह से मतलब मेड यूज कर देंगे तो उसका मतलब है कि जिसे अपनी तकदीर भरोसा रखता है। अच्छा एक चीज और देखो, आगे देखो, अब मेड का अगर पूछ ही लिया तो एक और होता है मेड ऑफ मनी, ये बहुत पुराना वर्ड है मेड ऑफ मनी। अब देखो मेड ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, जो बहुत अमीर हो यानी रिच पर्सन उसको बोलते हैं मेड ऑफ मनी। मैंने बोला यू आर अ मेड ऑफ मनी, येस और नो? मैंने बोला कि रोहित इज अ मेड ऑफ मनी। अब मेड ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया कि जो पैसों से बना हो, मतलब क्या हुआ रिच हो गया। अच्छा एक चीज, एक एक और था, हाँ मेड अप था वो, क्या था मेड अप। अच्छा मेड अप का मतलब क्या होता है, मेड अप इसका मतलब होता है बनावटी, फेक। मैंने बोला कि दिस इज अ मेड अप स्टोरी, ये सब कहानी कैसी है, किसी ने कोई कहानी सुना दी, तो आप बोले यार दिस इज अ मेड अप स्टोरी, क्या है ये, दिस इज अ मेड अप स्टोरी। मेड अप स्टोरी का मतलब, मेड अप का मतलब बनावटी, जो आपने बना दिया, रियल नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक बच्चे ने और पूछा, डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक था अ रेनी डे, ए रेनी डे, सर रेनी डे का मतलब क्या होता है, देखो रेनी डे का मतलब होता है बैड डे, मतलब बुरा दिन, क्या होता है बुरा दिन होता है, ठीक है। मैंने बोला कि यस्टरडे वॉज अ रेनी डे, यस्टरडे कैसा था, बहुत बुरा दिन था, बहुत ज्यादा बारिश वारिश हुई थी, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर देखो कोई दिक्कत है ना तो आप पूछ लिया करो, मतलब मुझे याद रहता है तो मैं बता देता हूँ। अच्छा एक चीज और पूछी थी एक बच्चे ने, उसने बोला था कि सर जैसे अगर मान लो हम कोई भी मीनिंगलेस कोई बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देखो फ्री वोलेस बोलते हैं, FRIVOLOUS, ये तुम्हारे काम का ही वर्ड है फ्री वोलेस, फ्री ए वी है ना, फ्री वोलेस। अब मैंने बोला फ्री वोलेस का मतलब होता है कि ऐसा जैसे आपने देखा हो जिस बात का कोई मतलब नहीं हो, फ्री वोलेस का क्या होता है मीनिंगलेस। ये पूछा गया है एक्चुअल में, SSC वर्ड है, उसने ये पूछा है तो SSC में से आया पेपर में। इसका मतलब देखो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि लड़के क्या होते हैं कि लंच में लड़कियों की बातें करते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब क्या हो गया उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैसे ही बस अपने एक दोस्त की तरह बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम बैठे हुए लंच कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमको कुछ याद आ गया तो हम उनके डिस्कस करने लगे, हमें मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट है और वो उसको याद आ गया कि यार काश मेरी शादी ना कैटरीना से हो जाए, तो अब वो कैटरीना के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं, भाई कैटरीना कैटरीना। तो अब क्या हो गया कि वो जो बातें हो रही है बताओ मीनिंगलेस है, नहीं मतलब फ्री, मतलब समझ लो जियो की तरह फ्री बोले जा रहा है, तो ऐसे याद कर लेना फ्री, फ्री बोलस, बोला मतलब फ्री बोल रहा है। अब जब कोई व्यक्ति फ्री बोलेगा तो इसका मतलब है वो मीनिंगलेस जरूर बोलेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है तभी तो फ्री बोल रहा है, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। तो दोस्त इसके और भी डाउट थे, देखने पूरा नहीं बता पाऊंगा, उसके बाद मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर नाउन के बाद अगर कोई मान लो सेंटेंस में नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है नाउन, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पर जो ए बुक है वो क्या नाउन है ना, तो बेटा अगर नाउन के बाद अगर मैं कोई में वर्ब यूज करनी है तो वो कैसे जुड़ेगी, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर एडजेक्टिव से अगर कोई वर्ब जोड़नी है तो वो भी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगी। यदि आपको नाउन पता है, एडजेक्टिव पता है, तो आप अपनी तरफ से भी स्पीकिंग बहुत अच्छी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक फ़ोन है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं कैसे बोलूँगा आई हैव अ फोन टू रिकॉर्ड द वीडियो, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कुछ भी बोलेंगे आई हैव, कुछ भी बोल दो नाउन वगैरह, आगे टू से ही जोड़ना, ing से मत जोड़ देना। अब मैंने आपसे कहा आई एम हैप्पी टू स्टडी बाय, आपने कहा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब खुश क्या होता है कि एडजेक्टिव, इसका मतलब आगे जो वर्ब आएगी वो टू से जुड़ेगी ना कि ing से, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा टू से। आपने बोला आई एम हैप्पी टू स्टडी, आई एम हैप्पी टू मीट यू, ठीक ना, आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू, तो इसका मतलब है कभी भी अगर एडजेक्टिव के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो किससे आएगी, टू से ऐड हो गए। दोस्तों देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास अभी तो बहुत मामला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। देखिए वो ट्रिक ये है कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, अब इस चीज़ के ऊपर देखो मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, तो चिंता मत करना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इसे अच्छी तरह से समझे, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अगर मेरे अगर मान लो बाई चांस कुछ गलत मुँह से निकल गया हो तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहूंगा अगर कुछ गलत निकला होगा। देखो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको उस वर्ड तक पहुँचाना होता है, समझाना होता है, मेरा मतलब कुछ नहीं होता कि मतलब इसका और मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ उस वर्ड तक पहुँचाने का मतलब है। दोस्तों जितना आपने सपोर्ट किया, प्यार किया, उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप प्लीज़ आप एक लाइक दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर किया जा सकता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप सबसे कि जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो सब एक पर्सन होते हैं, ठीक है, वो एक अच्छे इंसान होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हर पर्सन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये यूट्यूबर बहुत बेकार है, और अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, आप क्या है कि उन्हें गाली देने लगे स्टार्ट कर देते हैं, और गालियाँ इतनी इतनी तगड़ी वाली गाली देते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, HD क्वालिटी की गालियाँ मैंने देखी हैं। तो वो इस तरह से प्लीज़ अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर मैंने आपको कहीं पर भी किसी भी चैनल पर अगर कमेंट करते और उसको अगर देख लिया कि आपने अगर गाली वर्ड यूज़ किया है, तो सच में सही बता रहा हूँ कि लाइफ में ना मैं कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगा,
अगर आप रियल प्यार करते हैं तो मेरे भाई देखो एक बात सोचिए, अगर कोई यूट्यूबर है, अगर मान लो उसने थोड़ी भी जानकारी कर ऊपर नीचे दे दी, यार हम भी तो एक यूट्यूबर है ना, आप भी एक वही इंसान हो, गलतियां हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी नाराजगी आप उस कमेंट के जरिए गालियां दे रहे हो। यार एक बात मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं चलो आपको कमेंट दिखा देता हूँ। अब देखिए उसने क्या एक दूसरे चैनल पर जाकर के गालियां दी, और गालियां इतनी तगड़ी थी, यानी कि एक बात होती है जो यूट्यूबर की माँ बहन है यार वो भी तो हमारी माँ बहन है ना। मान लीजिए जो मेरी माँ है, जो मेरी बहन है यार वो भी तुम्हारी माँ बहन है, अगर आप मेरी माँ बहन को गालियाँ दोगे तो इसका मतलब क्या हो, तुम अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हो। खैर मुझे कोई गाली नहीं देता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो बट प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आप गालियाँ वालियाँ कभी मत दें। मेरी ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।